मोहन यादव सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत के साथ साफ कर दिया है कि सनातन की राह पर वह तेजी के साथ कदम बढ़ाएगी। मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में 5 बड़े फैसले लेने के बाद अब अपनी कैबिनेट महाकाल की नगरी में लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में अलग स्वरूप में नजर आ रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने सरकार के फैसले महाकाल की नगरी में लेने का काम करेंगे। एक दिन पहले उज्जैन में अपना पहला रोड शो करने के बाद मोहन यादव ने संभागवार बैठकों की शुरुआत भी उज्जैन से की है। मोहन यादव ने रविवार के दिन उज्जैन संभाग की रिव्यू बैठक की। इसमें जनता की समस्याओं के समाधान के अलावा सुशासन, विकास के काम और योजनाओं की मैदानी हकीकत को अफसरों से जाना। इसके बाद मोहन यादव अपनी पहली कैबिनेट भी उज्जैन में करने की तैयारी में हैं। मोहन यादव ने सुबह एक्स पर लिखा कि विकास और कानून व्यवस्था के संबंध में सभी संभागों में समीक्षा बैठक की जाएगी। उज्जैन से इसकी शुरुआत की गई है। उज्जैन संभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके बाद सभी संभागों की बैठक होगी। मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को सरकार की कैबिनेट की बैठक में उज्जैन में आयोजित होगी। यह पहला मौका होगा जब मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक राज्य मंत्रालय के बाहर उज्जैन में आयोजित होगी। इसके पहले शिवराज सरकार में भी महाकाल की नगरी में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को धार्मिक कैबिनेट का भी नाम दिया गया था, जिसमें धार्मिक स्थलों के विकास के अलावा कई अहम फैसले लिए गए थे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण योजना को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि मोहन यादव की उज्जैन में होने वाली कैबिनेट में महाकाल लोक 2 के विकास कार्य को लेकर चर्चा होगी। मुमकिन है कि सरकार इस दिन महाकाल लोक के दूसरे चरण के पूरे होने को लेकर चर्चा करे और इसकी शुरुआत पर भी कोई तारीख तय कर दी जाए। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।